व्यवहार अच्छा करना है टीम को अपने साथ रोकने के लिए। टीम आपके साथ कब टिकेगी? जब आपका व्यवहार सही होगा। व्यवहार एक ऐसी चीज है, लोग हायर किए जाते हैं दुनिया में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में, उनकी काबिलियत के द्वारा, और फायर करने का सिर्फ एक तरीका होता है उनका व्यवहार। हायर किया जाता है एबिलिटी के दम पर और फायर किया जाता है बिहेवियर के खराब होने के कारण। समझ आ रहा है? तो व्यवहार हमेशा अच्छा रखना है अपना, क्योंकि यहां पर टीम अगर बन नहीं पाई, सिर्फ एक कारण रहेगा, तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, गुस्सा, ईगो, घमंड, लोगों के साथ गलत करना, लोगों का यूज करना। टीम बनानी है आपको, सबसे बढ़िया क्या करना पड़ेगा अपना। तो एक दादाजी जो थे, अपने बच्चे को सुबह सुबह उन्होंने ना बर्तन धोने का काम दिया। उन्होंने बोला बेटा आज तेरे को बर्तन धोने हैं। तो लड़का बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा और इंजीनियर था, तो सुबह से सोच रहा था यार ये दादाजी ने कौन से काम पे लगा दिया, बर्तन धोने वाली का काम है बर्तन धोना, मेरे से बर्तन धुलवा रहे हैं। शाम तक जब दादाजी वापस आए तो दादाजी ने उससे पूछा कि कितने बर्तन धुले। उसने कहा 4-6 बर्तन धुले हैं। तो बर्तन धोते समय तुमने क्या सीखा? उसने कहा इसमें क्या सीखना है, डिशवॉशर लो और पानी में डालो और बस धो दो, उसमें क्या करना है। उन्होंने कहा मैं आपको एक सीख देना चाहता था दुनिया में बड़ा बनने के लिए, महान बनने के लिए, सफल होने के लिए। उस दादा की सीख जानना चाहते हो? बर्तन हमेशा बाहर से कम अंदर से ज्यादा धोया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? बाहर से कम और अंदर से ज्यादा धोया जाता है। दूसरा, बाहर से अगर थोड़ा गंदा भी होगा तो बर्तन को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, और अंदर से अगर गंदा है तो कोई उसको यूज नहीं करेगा। एम आई राइट और नॉट? सही है ना? इस बिजनेस में डायमंड बनना है तो खुद को अंदर से साफ करो, अंदर से साफ। घमंड खत्म करो, ईगो खत्म करो, लोगों का यूज करना खत्म करो, कंजूसी करना खत्म करो, बिहेवियर के जितनी कमियों के कारण है, और उसके लोक व्यवहार किताब पढ़ो। यहां मेरे को अगर एक ईंट चिपकानी है किसी दीवार पर, इसके बीच में मेरे को सीमेंट लगाना पड़ेगा कि नहीं? मेरे को अगर एक कागज चिपकाना है किसी लकड़ी के बोर्ड पर, तो उसको चिपकाने के लिए कुछ ग्लू लगाना पड़ेगा कि नहीं? मेरे को अगर कुछ चीज ठोकनी है दीवार में, तो ठोकने के लिए कील ठोकनी पड़ेगी कि नहीं? ये जो ग्लू है, कील है, और ये जो सीमेंट है, इस धंधे का सिर्फ एक है, टीम बनाने के लिए। व्यवहार अच्छा है तो टीम बन जाएगी, नहीं अच्छा है तो कभी बन नहीं सकती। व्यवहार अच्छा है तो टीम बन जाएगी, नहीं अच्छा है तो कभी बन नहीं सकती। अगर अच्छा रखोगे व्यवहार, तो हमेशा चलता रहेगा व्यापार। व्यवहार सही नहीं हुआ, व्यापार सही नहीं चलेगा। कड़वी बात को भी मीठा करके कैसे बोलें, वो आधा आपको सीखनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों के दिल टूट जाते हैं इस बात से सिर्फ कि आप उनको तू तड़ाक बोलते हो। तू तड़ाक अलाउड नहीं है इस बिजनेस में, कि नेटवर्क मार्केटिंग में वर्ल्ड वाइड ये अलाउड नहीं है कि आप किसी को तू करके बोलो। बड़े से बड़े लीडर भी मेरी बात को समझें और इसको सुधारने की कोशिश करें। समझ आ रहा है कि नहीं? मैं देखता हूं लोग बोलते हैं ये मेरे 4 लड़के। हम पूछते हैं कितने लोग आ रहे हैं? 4 लड़के आ रहे हैं सर। लड़के 45-45 साल के हैं। समझ आ रहा है? तो थोड़ा सा खुद को सुधारने की, करेक्ट करने की हमेशा जरूरत होती है। आज से लड़का बोलना, डाउनलाइन बोलना, तू तड़ाक बोलना, तू कहां जा रहा है वे, तू कैसे कर रहा है वे, तूने क्लोजिंग क्यों नहीं की, तू तड़ाक बोलना कई जगह पे अच्छा माना जाता है। हरियाणा में पत्नी बोलती है तू आया क्यों नहीं अपने पति से, और ये पत्नी बिहार में नहीं बोल सकती तू आया क्यों नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? तो इसलिए हमको कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा जो सब जगह चले। तो ध्यान दो, फोकस करो। छोटी छोटी बातें बड़ा बड़ा फर्क डालती हैं। यहां लिखा है सृष्टि गोल है, हम दूसरों को जो भी देते हैं एक दिन वही हमारे पास आता है, फिर चाहे वो दान हो, सम्मान हो, विश्वास हो, धोखा हो या अपमान हो। हम किसी का अपमान करेंगे, कोई और सृष्टि के माध्यम से आएगा और वो करके जाएगा, क्योंकि बदला तो चुकाना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? आप कहीं दान दोगे आपको मिलेगा। मैंने सीखा कि दान देने से धन शुद्ध हो जाता है। ज्यादा बड़े बड़े लोग, बिल गेट्स ने दान दिया, बॉरन बफे ने दान दिया, यार उन्होंने कौन सी गीता पढ़ रखी है। समझ आ रहा है कि नहीं?
लेकिन दान धरती पर चलता है, सब जगह दान देते हैं, डोनेशन बहुत जरूरी है। तो जो भी हम दें, समझ सोच कर दें, अंततः ये वापस हमारे पास ही आने वाला है। तो अपमान करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, तू तड़ाक बोलना बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान दो, जी लगा के बात करो। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो पानी नदी देती रहती है, मगर पानी खारा होता है सागर का क्योंकि वो पानी हमेशा लेता रहता है। समझ आ रहा? दूसरा लिखा है, नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है क्योंकि वो रुका हुआ होता है। तो जिंदगी के तीन सत्य हैं, देते रहोगे तो सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे खारे हो जाओगे, रुके रहोगे बेकार हो जाओगे। दूसरा यहां लिखा है बहुत ही अच्छी बात कि पके हुए फल की तीन पहचान होती है, एक तो वो नरम होता है, दूसरा मीठा होता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। पके हुए फल में तीन क्वालिटियां होती हैं, एक तो वो नरम होता है, दूसरा मीठा होता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी से हमको क्या सीखना चाहिए, पहली उसमें नम्रता होनी चाहिए, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होनी चाहिए, तीसरा उसके चेहरे पे आत्मविश्वास का रंग होना चाहिए। समझ आ रहा? ये थैंक यू वेरी मच। ये जो बिजनेस है ना, बिजनेस एक्चुअली क्या है, मैं अगर आपके पास प्लान दिखाने आया, मान लो तो मेरी कंपनी प्लान दिखाने आ रही है कि देवेंद्र शर्मा प्लान दिखाने आ रहा है, देवेंद्र शर्मा प्लान दिखाने आ रहा है। अब कंपनी अपनी जगह कितनी ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, अमृत से धुली हुई है, लेकिन मेरा व्यवहार मैटर करेगा कि आदमी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। समझ आ रहा है? आप अपने व्यवहार से टीम बना रहे हो, ना कि कंपनी के नाम पे टीम बना रहे हो। तो इसलिए कंपनी को अच्छा होने की जरूरत नहीं है, किसको अच्छा होने की जरूरत है? आपको खुद। तो आप तमीज से पेश आओ, तमीज से बातें करो, लोगों के साथ घुल मिल के रहो, व्यवहार को अच्छा करो।